बाद इस महान सदन के सामने मैं दो प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक जम्मू कश्मीर की राज्य की स्थिति को देखते हुए, वहां पर जो राष्ट्रपति शासन अभी चल रहा है उसकी अवधि को 6 माह और बढ़ाने का प्रस्ताव है, और दूसरा जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें भी संशोधन कर कुछ और क्षेत्रों को जोड़ने का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का जो प्रस्ताव लेकर मैं आया हूं, इसके बारे में सदन के सामने मेरा पक्ष रखने का पसंद करूंगा। महोदय, ये बिल जो मैं लेकर आज आया हूं, वो बिल का मूल तत्व ये है कि 2 जुलाई से 6 माह तक जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जाए। 28 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन यही गृह ने किया था, और राज्यसभा का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 20 जून को महोदय पीडीपी सरकार के पास बहुमत नहीं रहा, जम्मू कश्मीर संविधान के तहत जब बहुमत किसी का नहीं रहता है तो राज्यपाल महोदय सभी दलों से बात करने के बाद राज्यपाल शासन को लेकर आते हैं, और जब किसी भी दल ने सरकार बनाने का अपना दावा पेश नहीं किया, कोई बहुमत की स्थिति नहीं बनी, तो राज्यपाल महोदय ने 6 महीने के लिए जम्मू कश्मीर संविधान के तहत राज्यपाल शासन डाला। 21 नवंबर 2018 को कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई, विधायकों की खरीद फरोख और हॉर्स ट्रेडिंग के मामले भी सामने आने लगे और लंबे समय तक अस्थिरता थी, तो राज्यपाल महोदय ने निर्णय किया कि 21 नवंबर 2018 को विधानसभा को भंग कर दिया जाए और 21 नवंबर 2018 को सुनी हुई विधानसभा को भंग करने का निर्णय राज्यपाल महोदय ने लिया। उसके बाद में 9 दिसंबर 2018 को राज्यपाल शासन की अवधि समाप्त होती थी, इसलिए विधानसभा वहां अस्तित्व में नहीं थी। उसको ध्यान में रखकर धारा 356 का उपयोग करते हुए 20 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन वहां से अमल में है। महोदय, राष्ट्रपति शासन का समर्थन राज्यसभा ने 3 जनवरी 2019 में किया, और 3 जनवरी 2019 का जो समर्थन राज्यसभा से प्राप्त था, राष्ट्रपति महोदय को जो अधिकार प्राप्त थे, वो 6 माह के बाद मतलब 2 जुलाई 2019 को पूर्ण होंगे। इसलिए मैं ये बिल लेकर, ये प्रस्ताव लेकर सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं कि 6 माह के लिए ये राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी राज्य में विधानसभा का अस्तित्व नहीं है। महोदय, चुनाव आयोग ने भी इसके पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन, भारत सरकार, सभी राजनीतिक दलों से बात कर और वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति और ये दरमियान में आने वाले कुछ, जैसे रमजान आया, अभी अमरनाथ यात्रा आएगी, ये सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने भी निर्णय किया है कि इस साल में बाद में वो चुनाव कराने का फैसला करते हैं, और इसको राज्य केंद्र सरकार को सूचित कर दिया। भैया, बोलने का मौका मिलेगा, आप तसल्ली से बोलिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ना मैं टोका टोकी करूंगा, मेरी अपेक्षा है ना आप टोका टोकी। ये महत्वपूर्ण विषय है, देश की जनता के सामने आपके और हमारे दोनों के विचार पहुंच जाए बहुत जरूरी है, और लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, 7 मई से 4 जून रमजान का पवित्र महीना था, 30 जून से 15 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होनी है, और जिनकी 10% आबादी है ऐसे गुर्जर बकरवाल समुदाय जो पहाड़ियों पर चला जाता है, वो लगभग अक्टूबर के बाद ही वापिस आता है, इसलिए इस समय के दौरान चुनाव कराना उचित भी नहीं था, उपयुक्त भी नहीं था और संभव भी नहीं था।
इसलिए चुनाव आयोग ने इस वर्ष के अंत में चुनाव कराने का फैसला लिया है। वो उसकी तिथि अभी चुनाव आयोग ने सूचित नहीं की, क्योंकि वहां पर विधानमंडल है नहीं। राष्ट्रपति महोदय को 6 महीने से ज्यादा अधिकार ये दोनों सदनों ने दिया नहीं है, तो अब ये निहायत एकदम अत्यंत जरूरी हो गया है कि ये राष्ट्रपति शासन का कालावधि को बढ़ाया जाए। और जब तक 6 महीने का कालावधि बढ़ेगा, मैं आशा रखता हूं कि वहां पर भी चुनाव हो जाएगा। मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि कई दशकों से इन महीनों में चुनाव नहीं हुआ है कश्मीर, क्योंकि ये सारी कश्मीर, जम्मू और कश्मीर राज्य की विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं। तो कोई बार 3 दशकों से इन महीनों के अंदर चुनाव नहीं हुआ है मौजूद, और ये पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणियां इस बारे में अभी करना नहीं चाहता हूं। सभी सदस्यों को सुनकर अगर कोई टिप्पणी होगी तो जवाब जरूर दूंगा, मगर 7 बार राज्यपाल शासन लगे हैं, 2 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। कई बार स्थिति ऐसी भी हुई है कि राष्ट्रपति शासन के लिए कानून के अंदर संशोधन कराना पड़ा। 6 साल तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराए गए थे। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय के शासन में और राज्यपाल महोदय के शासन में करीब करीब 1 साल की अवधि के अंदर जम्मू और कश्मीर में बहुत समय के बाद पहली बार आतंकवाद के विरुद्ध 0 टॉलरेंस की नीति को अपनाया गया। देश के रक्षा मंत्री और तत्कालीन गृहमंत्री यहां पर बैठे हैं। 1 साल के अंदर आतंकवाद की जड़ों को, आतंकवाद को जड़ों से उखाड़ने के लिए, उनकी जड़ों को हिलाने के लिए और सभी तरह के इनके तौर तरीकों को नष्ट करने के लिए इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं बाद में इस पर डिटेल बात करूंगा। जहां तक विकास का सवाल है, पहली बार कई सालों से पंचायत के चुनाव नहीं कराए जाते थे। संविधान संशोधन 73 और 74 हो गया था, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका फायदा नहीं होता था। यही 1 साल के अंदर पंचायत के चुनाव कराए गए। 4000 पंचायतों में 40,000 पंच सरपंच आज जनता की सेवा कर रहे हैं। और महोदय, में इतना ही नहीं, 3700 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के पंचों का, सरपंचों का, ग्राम पंचायतों का अधिकार था, सीधा उनके हाथ में जाए, वो पहुंचता नहीं था। उसमें से 700 करोड़ रुपया आज सीधा पंचायत के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। और महोदय, इसका सर्टिफिकेट आने के बाद तुरंत ही और 3000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की 4000 पंचायतों को हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। और पंच सरपंच भी बहुत अच्छा काम, कल मैं उनको मिलकर आया हूं महोदय, बहुत अच्छा काम है। और एक बात विशेष मैं सदन को बताना चाहूंगा, पक्ष विपक्ष दोनों को इससे आनंद होगा कि कई बार जम्मू कश्मीर में हमने रक्त रंजित चुनाव देखे। सबके मन को दुख होता था, दिल में मलाल होता था कि चुनाव के अंदर रक्त क्यों धरती पर बहा जा रहा है। 40,000 पदों के लिए चुनाव हुआ, अध्यक्ष महोदय, एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, एक भी व्यक्ति की जान नहीं। पूरा संसद का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर के हर मतदाता ने वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मत प्रतिशत भी बढ़े हैं और हिंसा भी नहीं हुई है। यही दर्शाता है कि स्थिति लॉ एंड ऑर्डर सरकार के कंट्रोल में। अध्यक्ष महोदय, जहां तक विकास का सवाल है, ढेर सारे नए इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता ये महसूस कर रही है कि जम्मू और लद्दाख ये भी जम्मू कश्मीर राज्य के हिस्से हैं। क्षेत्रीय संतुलन को नहीं संभाला जा सकता, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, मैं आंकड़ों के साथ इसको सिद्ध कर सकता हूं। जम्मू और लद्दाख के क्षेत्र की अवज्ञा की जाती है, हमने अवज्ञा किसी की नहीं की, किसी का नहीं छीना है, मगर जिसका अधिकार था उसका अधिकार उसको पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार किया। और माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष जी, इसके कारण जम्मू क्षेत्र के अंदर, लद्दाख के क्षेत्र के अंदर एक पहली बार जनता संतोष का अनुभव करे। कोई भी वर्षों से लंबित मसले थे,
मैं देश के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री जी को सदन पर रिकॉर्ड पर अभिनंदन देना चाहता हूं कि पहली बार एक साल के अंदर ये सभी मसलों को एड्रेस किया गया, ज्यादातर मसलों को निपटा दिया गया। जम्मू कश्मीर से, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से आए हुए जो शरणार्थी थे उनका मसला हो, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे उनका मसला हो, उनके स्टेट सब्जेक्ट का विषय हो, हर विषय के अंदर इनिशिएटिव लेने का काम ये राष्ट्रपति शासन के दौरान हुआ है। बंकर नहीं बनते थे, जाने चली जाती थी, मवेशी मारे जाते थे, पशुधन मारा जाता था, कोई मुआवजा नहीं मिलता था। 50,000 रुपया एक भैंस मारे जाने पर और संख्या सीमित करे बगैर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के दरमियान हुआ है और राष्ट्रपति शासन में, राज्यपाल शासन में वो कंटिन्यू हुआ। लगभग 15,000 बंकर बनाने का फैसला हुआ है। हमारे लिए सीमा पर रहने वाले एक एक व्यक्ति की जान का अमूल्य जान है, इसका बहुत महत्व है। इसके लिए पैसों का विचार नहीं किया जाना चाहिए अध्यक्ष। 15,000 बंकर बनाने की बात थी, उसमें से 4,400 बंकर बन चुके हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो समय सारणी सीमा राजनाथ सिंह जी तय कर गए हैं, वो समय सारणी एक भी दिन लिए लेट करे बगैर 15,000 के 15,000 बंकर बना दिए। महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, सदन के सभी सदस्य जब इस पर बोलेंगे मैं इसके जवाब में काफी सारी बातें बताऊंगा भी, मगर मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल रहे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें हम जरा भी लिपापोती नहीं करना चाहते। और जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाल रहे, कानून का शासन बहाल रहे और आतंकवादियों की जड़ समेत उखाड़ने के लिए कार्यवाही हो, इसके लिए भी ये सरकार कटिबद्ध है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को अपील करना चाहता हूं कि मैं जो प्रस्ताव लेकर आया हूं उसके पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, सरहदी राज्य है, पड़ोसी देश से जमीनी सीमा सटी हुई है, देश की सुरक्षा के मुद्दों के लिए, वहां की जनता के कल्याण के लिए इस प्रस्ताव का समर्थन करे और ये सदन शक्ति प्रदान करे और 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन करे। महोदय, मैं दूसरा प्रस्ताव लेकर आया हूं जिसमें जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें थोड़ा बदलाव कर कुछ नए सूत्रों को जोड़ने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। महोदय, जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून 2004 के तहत 43% वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर हुआ है, जिसमें अनुसूचित जातियों को 8%, अनुसूचित जनजातियों को 10%, पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को 20% और कमजोर निर्धन लोगों को 2% और नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों के निवासियों के लिए 3%। मैं आज जो प्रस्ताव लेकर आया हूं ये वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों के निवासियों के लिए जो 3% आरक्षण है इसके अंदर वो 3% के अंतर्गत ही इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों को भी ये आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, ये प्रस्ताव लेकर आया। इसका कारण है, चाहे LOC हो, चाहे LAC हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, तीनों सीमाओं पर जो गांव बसे हैं उनको उनकी हार्डशिप एक समान है। तीनों के उस और पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर या तो पाकिस्तान है, गोलाबारी करते हैं, सीज फायर का बार बार उल्लंघन करते हैं और जब सैल यहां पर आते हैं तो यहां इतनी नुकसान होता है जिससे बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई में सातत्य रखने में बड़ी दिक्कत आती है। ये आरक्षण किसी को प्लीज करने के लिए नहीं है, मगर सदन ने संवेदना के साथ ये बात को विचार करना चाहिए। जब सेलिंग होती है माहो माह तक, कई दिनों तक बच्चों को शेल्टर हाउस में रहना पड़ता है, स्कूल बंद हो जाती है, शालाओं कई महीनों तक चलती नहीं है, तो उनकी IQ होने के बावजूद
इंटेलिजेंसिया होने के बावजूद उसके मार्क लाने की क्षमता प्रभावित होती है, इसलिए उनको ये रिजर्वेशन दिया जाता है महोदय। और जब कानून बना एलओसी के लोगों को भी मिलना चाहिए, एलएसी के लोगों को भी मिलना चाहिए, मगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो गांव है वो शायद छूट गए थे, उसका विचार नहीं किया गया। राज्यपाल महोदय ने यहां पर प्रस्ताव भेजा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जो गांव बसे हुए हैं उसको भी आरक्षण का फायदा देना चाहिए, और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में नया कानून या तो कानून में संशोधन करने का विधानमंडल का जो अधिकार है वो संसद में नहीं है, इसलिए ये प्रस्ताव को लेकर मैं आया हूं। और महोदय, इससे जम्मू क्षेत्र के करीब करीब 3.5 लाख नागरिकों को इसका फायदा होगा, कठुआ, सांबा और जम्मू जिले के लोगों को फायदा होगा, कठुआ के 70 गांव, सांबा के 133 गांव और जिला जम्मू के 232 गांव को उसको फायदा होगा। और 3.5 लाख लोगों की आबादी जो पाकिस्तान के साथ कभी भी सीज फायर का उल्लंघन जब होता है तब इसको झेल रही है, उनके बच्चों को जो उसके कारण नुकसान होता है, शायद इस आरक्षण से उन नुकसान की कुछ भरपाई हम कर पाए, इतने उम्दा आशय के साथ मैं प्रस्ताव को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं सदन को विनंती करता हूं आपके माध्यम से महोदय कि इस प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले बच्चों के लाभ के लिए इसको भी अनुमोदन करे और आरक्षण के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के बच्चों को भी समाहित किया जाए, इतना निवेदन कर सर मैं मेरी बात से।